नाम सुनते जयपुर पढ़ा था भाई शीश का दान दिया था जहाँ दिया था शीश का दान और गुरु है चुलपाणा दान। तो इस नगरी का नाम चुलपाणा इसलिए पड़ा क्योंकि चुलपट ऋषि ने यहाँ पर सतयुग में तपस्या करी थी, उनके कारण ये नगरी बसी हुई है, इसलिए चुलपट से चुलपाणा बन गया। आज यहाँ को प्रोडक्शन के उसको तलवाते हैं, बाबा सब उतार करते हैं, आने के साथ सारे हैं जो भी आर के आता है बाबा उसको सारा करते हैं। वीर परवरिक ने शीश का दान दिया था जहाँ दिया था शीश का दान वो चुलपाणा दान और एक तीर से संपूर्ण पीपल का पिंड जाता है वो पीपल आज भी है यहाँ पे। जी 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 बाहर की तरफ है और पत्ते आज भी छेद है। भगवान श्री कृष्ण जी ने परवरिक वरदान दिया था जी कि हे वीर परवरिक जैसे जैसे कलयुग का पटाव होगा आपका प्रचार होगा आज ऐसे ही है जी दिन प्रतिदिन बाबा के भगत बढ़ रहे हैं लाखों करोड़ों संख्या अभी कुछ है। अभी कुछ सालों में जो भगतों की संख्या बढ़ी है वो कलयुग का मतलब कहने का मतलब ये है कि कलयुग का प्रसार बढ़ रहा है। जैसे जैसे कलयुग का जोर बढ़ रहा है वैसे बाबा प्रचार बढ़ रहे थी। हम बचपन से देख रहे थे हमारे कौन सा बोले यहाँ सेवा करते रहे हमारे दादा परदादा माता रहे कभी बाबा दरबार 12 से लेकर 4 बजे तक बंद रहता था दिन में, लेकिन अब भीड़ इतनी होने लगी है अब ओनली 1 घंटा बंद रहता है मंदिर, इतनी भीड़ होने लगी है श्याम प्रेमियों के लिए क्या संदेश है आपका? श्याम प्रेमियों से बाबा के चरणों में आओ जो भी हार जाता है बाबा उसका काम जरूर बनाएंगे। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय, तीन बाण धारे की जय। आज हम सम को लेकर नारायणगढ़ से चुलपाणा धाम आए हैं जहाँ पर बाबा श्री श्याम जी ने बरबरीक ने बाबा श्याम को शीश का दान दिया था। आज हम उस पावन पवित्र धाम पर आए हैं और बाबा जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए और कलयुग में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि जैसे जैसे कलयुग आएगा बाबा आपका नाम होगा घर घर आपकी पूजा होगी। वही समय आ रहा है घर घर बाबा जी की पूजा की जा रही है और भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तजनों की भीड़ है बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमें। तो गौरव जी आप ये बताइए कि आपके मन में ये कैसे आया कि आप संगत को लेके आए यहाँ? हमारे मन में ऐसे आया कि हमने काफ़ी बार हम खाटू श्याम जी गए तो हमने सोचा कि हमारे मन में बाबा जी ने ऐसी भावना उत्पन्न की कि जहाँ पर शीश का दान दिया है एक बार वहाँ भी जाना चाहिए। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं ऐसे हम खाटू श्याम को काफ़ी बार जाएंगे। तो गौरव जी आप कहते हैं बिजी शेड्यूल है कि आप सरपंच के इलेक्शन में भी खड़े हैं तो फिर भी आपने टाइम निकाला भक्तों के लिए? देखो सबसे पहले बाबा जी है इलेक्शन राजनीति वो बाद की बात है, जो बाबा जी को अच्छा लगता है बाबा जी वो करेंगे, जहाँ बाबा जी ने रखना है विश्वास है हम वहीं रहेंगे। बाबा जी पहले संदेशा दे देते हैं जो बाबा जी ने देना है वो देना है। लाखों श्रद्धालु बाबा जी के दीवाने हैं, खाटू श्याम में भी लाखों संख्या में श्रद्धालु हैं और चुलपाणा धाम में भी हजारों लोग बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं। हम दर्शन करके बाबा जी के बहुत खुश हुए, हमें अच्छे दर्शन हुए, बाबा जी हमें बार बार बुलाए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। देख सकते हैं आप ये भी है गौरव जो रसोस है संगत लेकर के आए हैं। तो बाबा की जय। आज हम चुलपाणा धाम आए हैं अपने पुरानी से संगत को लेकर, बड़े ही विशाल संख्या में संगत आई है हमारे साथ। हम हर महीने बाबा श्याम के यहाँ जाते हैं, खाटू श्याम के यहाँ भी जाते हैं, आज यहाँ पे चुलपाणा धाम में आए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है, यहाँ से बाबा के अच्छे दर्शन करे हैं। जय श्री श्याम। जय।